हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस करेक्शन को लेकर, और आपको लेकर इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टर्म्स होती है जब भी आपके सामने, आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है? फूल, आपके पर्सन किसी तरीके से की न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, कब आपकी तरफ मैसेज आएगा या कब आपकी तरफ ये कनेक्ट होगा। ठीक है, आप वेट कर रहे हैं कब ये इंसान बनेगा। ठीक है, कि कब इसको रियलाइज होगा जो ये कर रहा है गलत कर रहा है, इसने जो अब तक किया वो गलत किया। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर, अपने पर्सन के बारे में सोचें। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। ओके, स्ट्रेंथ, आपके पर्सन बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल करके, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना लव, अपना केयर, सब कुछ होल्ड करके बैठे हैं। वेट कर रहा है ये पर्सन आपका। ठीक है, आप आगे की तरफ जा रहे हैं, फूल की एनर्जी आपकी थी, आप कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट ले रहे हैं, लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं अपनी लाइफ में। आप स्टक नहीं रहना चाहते, इसको कंट्रोल करना है करने दें। आप ये सोचते हैं कि आप ये कंट्रोल ही करे। ठीक है, ये आप वेट कर करके थक गए सिचुएशन में, क्योंकि ये पर्सन बेहद होल्ड बैक करता है। ठीक है, ये इसका जो एक इमोशनल साइड, ये बहुत अच्छे से होल्ड बैक करना जानता है, ये अपने आप को कंट्रोल करना जानता है, और आप इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। वैसे भी आप एक इमोशनली डिटैचमेंट पे तो आ चुके हैं, आपने माइंड बना लिया कि आपको वर्क तो करना नहीं है इस कनेक्शन में, चाहे कितनी याद आया आपको इस पर्सन की। आपने अपने ऑप्शंस ओपन कर लिए अपनी लाइफ में। आप यहाँ पे एक जजमेंट कॉल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक जजमेंट कॉल हो रहा है। ये आप जो यहाँ पर इस टाइम जो एक्शन ले रहे हैं वो डिवाइन की मर्जी से ले रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी लगती है आपका। आपको खुद से जाना है, इस पर्सन से आप कनेक्ट होना किसी ड्रामे से कम नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है ये बंदा ड्रामेबाजी है और ड्रामेबाजियाँ ही दिखाता रहता है। चाहे आप खुद झुक कर चले भी जाएँ तब भी उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। इस चीज़ को भी ये कोई वैल्यू नहीं करता कि आप आए हैं, इतना आपने इसको मनाया या इतना एफर्ट किया, उस इतनी गलती, इसकी गलतियाँ एक्सेप्ट करने के बावजूद आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। आपके माइंड में इस तरीके की एनर्जी है कि आपका जाना ही बेकार है, ये काबिल ही नहीं है आपकी रिस्पेक्ट के। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। वेट वेट कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, एक वेटिंग एनर्जी, खुद को होल्ड बैक कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वेट कर रहा है ये आपकी तरफ से। ठीक है, खुद को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहा है, खुद को हील कर रहा है और बैलेंस करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से, जिस जितना खुद को कंट्रोल कर सकेगा कंट्रोल करेगा, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा। ये चाह रहा है कम्युनिकेट आपकी तरफ से, कम्युनिकेशन आपकी तरफ से हो, आप बात करने की कोशिश करें जैसे कि आप हर दफ़ा करते हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन सम है। ठीक है, बर्डन है इसके ऊपर, इस पर्सन के माइंड में इस कनेक्शन का, आपकी आपकी लव का, आपके आपके इस एफर्ट का, हमेशा से जो भी आपने करा है, बहुत ज़्यादा बर्डन सम हो रहा है ये पर्सन। ठीक है, ये बैलेंस नहीं कर पाया, इसको इस चीज़ का अंदाज़ा है, इस कनेक्शन में वो नहीं दे पाया जो इसको देना चाहिए था। बहुत ज़्यादा कोल्ड है, डिटैच है, एक जैसे साइलेंट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक आइस ब्रेक नहीं कर रहा, जो आप दोनों के बीच आइस जो जम चुकी है, जो आप लोगों के बीच जो दूरियाँ क्रिएट हो चुकी हैं, क्योंकि ये पर्सन हमेशा से उस साइड रहा है जैसे ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल सही है, इसने ये कभी झुका नहीं है। ठीक है, इसने कभी अपना जो एक अपनी जो एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इसने ली नहीं है कभी भी। ठीक है, ये जानता है, इसका इनर सेल्फ जानता है, इसने बैलेंस नहीं किया, उस चीज़ का बर्डन है इसके ऊपर। बर्डन सम एनर्जी में है, पीस में नहीं है, कहीं भी है खुश नहीं है, बस अपने पैशंस को, अपने लव को, अपनी केयर को कंट्रोल ही करता रहता है। इसको कहीं से भी धोखा मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, इसको पता है अगर आपके पास आ जाए, एक सेफ एनर्जी है। ठीक है, आप इसको टेन करना जानते हैं, आप इसको हील करना जानते हैं, आप इसको समझाना बुझाना जानते हैं, आप इसको माफ़ कर देते हैं हमेशा, सब जानता है, लेकिन फिर भी ये जानता है यहाँ पर जैसे इसको एक चीज़ ये भी लग रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पर ये अब अपनी लाइफ में ये एक इमेच्योरिटी से बाहर आ चुका है, मैरिज को अप्रोच करना चाह रहा है। ठीक है, खुद भी ट्रांसफॉर्म होना चाह रहा है, खुद भी बदलना चाह रहा है, ये इमेच्योरिटी से अपनी ज़िंदगी की थक चुका है। किसी और को डील कर रहा था तो वहाँ से कोई जो जो एक बैक स्टेपिंग मिली, थक चुका है ये। इसने एक नहीं, इसने और भी लोगों को एक्सपीरियंस करा है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, जैसे आपको कोई नहीं मिल पाता ना, इसको भी कोई नहीं मिल पाता। ये आना तो आपकी तरफ चाहता है, एक अपनी लाइफ में किसी नेक्स्ट लेवल पे मूव करना चाहता है। ये चाहता है अपने आप को स्टेबल करे, मैरिज करे और सेटल हो। ठीक है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं?
आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। स्टेबिलिटी, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टेबल ग्राउंडेड दिख रहा है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा फोकस है अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे, बहुत ज्यादा स्टेबल ग्राउंडेड दिख रहा है ये पर्सन आपको। आप ये लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी है, आपकी जिंदगी में एक पीस आ चुका है। मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी है, लेकिन आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, इस बात का इसको पता है, तभी आप खामोश हैं। आपने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी कहीं और ढूंढ ली है। आप ये पर्सन आपको देखता है तो बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी रहती है आपका, और इसका एक बाउंड मिस करता है, क्योंकि इसके ऊपर अब बर्डन ये है, आप उस तरीके से इससे कम्युनिकेट नहीं करते, बात नहीं करते, कनेक्ट नहीं होते, आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, क्योंकि ये जानता है कि आपको ट्रस्ट इशूज़ हैं। जो टावर मोमेंट आया उसका असर आज तक है इस कनेक्शन पर, ठीक है। यहाँ पर आपने जो वेट करा उस टावर मोमेंट के बाद इसके साथ कनेक्ट होने के लिए, उस चीज़ का असर इसके ऊपर आज तक है। आप अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, इसको अपनी लाइफ की हर बात नहीं बताते, हर चीज़ डिस्कस नहीं करते, या उससे उस तरीके से कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं करते। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर? हाँ, ये आपका वेट इसलिए कर रहा है ताकि इसको जो इसने डिसेप्टिविटी की थी ना, उसको वो रिवील ना करनी पड़े, ठीक है। ये जो कर रहा था ना, जो आप समझ चुके हैं क्या कर रहा था, ये बार बार आपको आपके बारे में इसलिए सोच रहा है, ये जानता है इसने आपसे कुछ छुपाया, ये जानता है इसने आपको गोस्ट किया, इसे ये जानता है यहाँ पर कुछ है जो अभी भी आपको नहीं पता, ठीक है। ये आपको डिफेंसिव शो इसलिए करता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, और अगर तुम आओगे तो मेरी शर्तों पर आओगे, और जब तुम मेरी शर्तों पर आओगे तो तुम कोई पास्ट की बात नहीं करोगे, ठीक है। ये अपनी पास्ट की डिसेप्टिविटी को नहीं चाहता आपके साथ डिस्कस करना या उस चीज़ पे कोई क्लैरिटी देना, इसलिए ये चाहता है कि आप इसकी तरफ अप्रोच करें, इसलिए ये डिफेंसिव एनर्जी में रहता है कि आप इसकी तरफ अप्रोच करें, आपको ज़रूरत है। शो यही हो कि हमेशा से कि आपको ज़रूरत थी और आप ही आएँ, ठीक है, मुझे तो ज़रूरत नहीं थी, जैसे मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ कोई, ठीक है। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर? ये टीम वर्क चाहता है, इसको पता है अगर आपको इस डिसेप्टिविटी का पता चला, आपको इस आपके ये जो क्यों गोस्ट कर रहा था, ये क्या आपसे छुपा रहा था, इसने क्या आपसे हाइड करा है, कहाँ आपको धोखा दिया, अगर आपको ये बात पता चल गई, यहाँ पे टीम वर्क नहीं हो सकेगा इस कनेक्शन में। जो है ना, ये जो साइलेंट होके बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, ठीक है। यहाँ पर ये जानता है कि एक टीम वर्क यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहेगा। ये जो हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन आपने यहाँ पर देखी है अपने कनेक्शन में, इस पर्सन से जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, इस पर्सन की वजह से आप जो तकलीफ में आए, ये जो एक साइलेंट ट्रीटमेंट जो आपको देता रहा है, अगर इस चीज़ का ट्रुथ रिवील हो गया ना, तो यहाँ पर जो ये चाह रहा है उस तरीके से कनेक्शन बन नहीं सकेगा, ठीक है। क्योंकि आपके नेचर को जानता है, ये आपके साथ टेन ऑफ पेंटिकल चाह रहा है, एक बैलेंस कनेक्शन चाह रहा है, रिकनसाइलेशन चाह रहा है, ये आपको जगल कर रहा था और अब उस जगलिंग से ये आगे बढ़ना चाह रहा है, क्योंकि ये अब चार इसको समझ में आ चुका है, एस ऑफ कप आप हैं इसकी लाइफ का, ठीक है। एक एक अनकंडीशनल लव आप ही कर सकते हैं, जहाँ भी इसको अपना शौक पूरा करना था इसने कर लिया। इस पर्सन के माइंड में ये चल रहा है, ये वेट और मैनिफेस्ट इसलिए कर रहा है, ये चाह रहा है कि आप अप्रोच करें ताकि इसका इसका जो पास्ट है ना, जो ये वो खुले ना, वो चीज़ें इसकी हाइट ही रहे, उसके ऊपर बात ही ना हो। अभी भी ये आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, डिप्लोमेसी से चल रहा है ये पर्सन, ठीक है। बिल्कुल ये मैसेज नहीं करना चाह रहा, ये चाह रहा आपकी तरफ से मैसेजेस को रिसीव हो, ठीक है। इस पर्सन को इमोशनल हुआ हुआ है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठा हुआ है, इसको लग रहा है कि ये नहीं आपकी तरफ आ सकता, अब वो टाइम चला गया, वो वक्त नहीं है, या वो वक्त ये गवा चुका है कि आपकी तरफ ये इमोशनल कप लेकर आए और अपने इमोशंस बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रस्ट ही नहीं करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। आपको ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन के ऊपर, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। ये होल बैक, ये होल बैक कर रहा है अपने इमोशंस की, आपसे इमोशंस अपने होल बैक कर रहा है। ये अब आपकी तरफ से एक्शन इसलिए चाह रहा है ताकि यहाँ पर इसका किसी भी तरीके की नेगेटिविटी रिवील ना हो, इसके इसके कोई भी कांड आपके सामने ना आए। हाँ, ये जानता है अगर ये अप्रोच करेगा, अगर ये अप्रोच करेगा ड्रामा होगा, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा होगा। आप क्लैरिटी मांगेंगे, बात बात पे क्लैरिटी मांगेंगे, आप हर किस्म का ट्रुथ इससे मांगेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, ठीक है। स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है ये पर्सन आपको, कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा स्टॉक सर्च कर रहा है, ये आपको देख रहा है, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, तो ये आपकी जैसी वाइब आपको शो कर रहा है कि मैं भी कोल्ड हूँ,
और डिटैच हूँ। देखें क्वीन ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड, और यहाँ पे दोनों की तरफ से स्टॉकिंग चल रही है, आप भी कर रहे हैं अपने पर्सन, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, लेकिन आप बाजायर एक स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये जानता है आपकी एनर्जी कोल्ड और डिटैच हो चुकी, तो ये अपनी तरफ से भी उसी तरीके की एनर्जी आपको शो कर रहा है कि मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं। तो ये अभी भी दिमाग से खेल रहा है, अभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। इस पर्सन के माइंड में चल रहा है कि अपनी गलती एक्सेप्ट मत करना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट मत करना, मतलब कि अगर ये तुम ये कनेक्शन चाहते हो तो ये कनेक्शन तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर? न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट। ठीक है, ये जो पास्ट हुआ था ये चाहता है, ये पास्ट मैंने कहा ना बार बार, ये चाह रहा है कि आप पास्ट को छोड़ दें। देखिए एक स्टेबिलिटी, क्योंकि आपको स्टेबल पर्सन की तरह देख रहा है, किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, कंटिन्यूसली सोच रहा है, किसी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। यहाँ पर आ गया फोर ऑफ फैंस। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंडेड देख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देख रहा है, जिसके साथ मैरिज की जा सकती है, जिसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी हो चुकी है आपकी। ठीक है, ये आपको अभी भी सिंगल ही शो करना चाहता है अपनी जात को भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये आपको अभी भी मैनिपुलेट कर रहा है, फाइव ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, अभी भी मैनिपुलेट कर रहा है, इसको कंफ्यूज है, ये आपकी तरफ से किसी एक्शन का इसलिए वेट कर रहा है ताकि इसकी कंफ्यूजन कम हो। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, यहाँ पर जजमेंट शो हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, अगर इस पर्सन को आप चाहिए तो इसको यहाँ पर एफर्ट करनी पड़ेगी, डिवाइन इसको ये बात समझाना चाह रहे हैं, आपको रोक कर इसलिए रखा हुआ है, आपको बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ अपने ऊपर काम करें, क्योंकि डिवाइन इसको ऐसे नहीं आपको देंगे। एक पत्थर, डिवाइन ने बहुत बड़ा सा पत्थर इसके दिमाग में, इसकी ज़िंदगी में ला के रख दिया, जब तक तुम इसको तोड़ोगे नहीं, ये इसके ईगो का पत्थर है, ये इसकी गलतियों को ना एक्सेप्ट करने का पत्थर है, ताकि ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे आपके सामने, अपनी ईगो को ख़त्म करे और इस कनेक्शन पर स्ट्रांगली काम करे, वर्क करे। इसको सब रियलाइज़ हो रहा है, यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी, इसको सब समझ में आ रहा है इसने क्या किया है इसने। ठीक है, यहाँ पर इसको हर चीज़ को इसको समझाया जा रहा है, लेकिन अभी भी अपने ईगो जो है ना, ईगो, अपना ईगो संभाल के बैठा हुआ है। इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर? स्लीपलेस नाइट में अगर आप लोग की कम्युनिकेशन एक साथ होते हुए भी अगर आप लोग कहीं से अनब्लॉक है और नहीं हो रही, आपकी लाइफ में बिल्कुल बिजी हुए हैं, ये पर्सन बेहद परेशान है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में अपनी लाइफ में आप किसी तरीके की न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी एक स्टेबल होती जा रही है, आप खुश रहना सीख चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं, ग्राउंडेड हो चुके हैं आपकी ज़िंदगी में। अब इसको पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आपको इसकी नीड नहीं है, जैसे डिवाइन यहाँ पर जस्टिस दे रहा है आपको, आपको जस्टिस कर रहा है, अब आपको बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन है, अगर यहाँ पर आप चाहकर भी इसको अप्रोच नहीं कर पा रहे ना, तो ये डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन चाह रहा है कि ये आपकी लाइफ में खुद आए। आपको कहा जा रहा है अपना बैलेंस आप खुद बनाएं। ठीक है, आपको इस चीज़ का इंतजार करने का ज़रूरत नहीं है कब आएगा, कंपाउंडर की तरफ मूव करें, अपनी ज़िंदगी का पीस इंजॉय करें। ठीक है, यहाँ पर आपकी लाइफ में और भी लोग आएंगे, लेकिन जब तक ये आपको खुद से अप्रोच नहीं करता, खुद से रिस्पेक्ट नहीं करता, ये अभी भी इसका दिमाग अभी भी मैनिपुलेट कर रहा है आपको, दिल तो कह रहा है यहाँ पर एक्शन लो, लेकिन दिमाग कह रहा है नहीं, एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, पास में जो किया वो याद है कि नहीं, यहाँ पर करना क्या चाहिए। ठीक है, सक्सेस चाहता है, विक्ट्री चाहता है, ये चाहता है यहाँ पर सक्सेस आए और आपको मिलेगी भी, लेकिन ये पर्सन खुद आएगा। ठीक है, ये जानता है आप इसकी ज़िंदगी की एक क्वीन ऑफ कप्स हैं। ठीक है, आप एक क्वीन की तरह हैं, इसने आपके इमोशंस को हर्ट किया, तो डिवाइन उस चीज़ का हिसाब ले रहा है इससे। अगर न्यू बिगनिंग चाहिए तो यहाँ पर, अगर कुछ न्यू चाहिए तो इस पर्सन को जाओ, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो। किंग ऑफ कप्स इमोशनल वे में आएगा ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, एक फूट कर इसके इमोशन निकलेंगे, मतलब कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ये पर्सन रो देगा या तो आकर अपनी लाइफ की सब कुछ बताएगा, आपके साथ टेन ऑफ कप्स जाएगा। ये इस पर्सन को आपके इमोशंस कंटेक्ट करते हैं, ये पर्सन आपकी जब भी आप लोग की बात होगी इमोशनल कन्वर्जेशन होने वाली। ठीक है, यहाँ पर जो स्टकनेस चल रही है ना, ये पर्सन भी आपके ऊपर स्टक है और आप भी इसके ऊपर ही स्टक हैं। एस ऑफ कप, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, लेकिन जो आप लोग को इमोशंस मिले नहीं है ना, वो इमोशंस मिलेंगे, पास्ट में जो एक ड्राइनेस थी ना वो एंड हो गई। ठीक है, एक जो नेगेटिविटी थी ना वो एंड हो गई, एक क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, क्लैरिटी आपको मिल रही है, बिल्कुल एक्शन मिलेगा आपको, लेकिन क्लैरिटी के साथ मिलेगा। जब ये पर्सन अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देगा, अपने माइंड से खुराफातों को एंड कर देगा, जब ये देखेगा आप नहीं आ रहे, उस टाइम ये लेगा यहाँ पर, ये अपनी मेंटली स्टकनेस को एंड कर आपकी तरफ, उस वक्त ये एक्शन लेगा। ठीक है, उस वक्त ये आपकी तरफ आएगा, डिसेप्टिविटी को ख़त्म करेगा, एक हीलिंग लाएगा इस कनेक्शन में, लाएगा बिल्कुल एक्शन लेगा। ये अभी भी बस इस चीज़ का वेट कर रहा है कि किसी तरीके से जो है ना, ये जो डिसेप्टिविटी कर रहा था, जो इसने नेगेटिविटी यहाँ पर करी रखी थी, इस चीज़ का इसको हिसाब ना देना पड़े। ये आपके माइंड को जानता है, आप इसको, ये इसको लगता है कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बात जानता है कि आप एक सही करेंगे, क्योंकि आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है, आप आगे जाके वो इनजस्टिस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये समझ नहीं रहा, अगर ये माफ़ी मांग लेता है
अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेता है, तब यहाँ पर चीज़ें शायद बेहतर हो जाएं। लेकिन अगर ये अभी भी डिप्लोमेसी और मैनिपुलेशन करेगा तो आप कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ये बेवकूफ़ है, डिवाइन इसका ईगो ख़त्म करवा रहा है। इसके माइंड में जब भी चल रही है ना खुराफातें, ड्यूलिटी, आपको बार बार मैनिपुलेट करना, वो चीज़ जब कम्प्लीटली एंड होगी ना, तब आपकी तरफ ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग की तरफ आएगा। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपके कनेक्शन में कोई न्यू स्टार्ट कमिंग होगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इस पर्सन को समझाया जा रहा है, अगर मैनिपुलेट करोगे, अगर नेगेटिव करोगे, नेगेटिविटी में रहोगे, हमेशा अपनी ही तरीके से चलाते रहोगे, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा इस सिचुएशन से। ठीक है, कहीं और भी हासिल नहीं हुआ तो मैं यहाँ भी नहीं होगा। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर ये पर्सन आता है तो आपको प्राइड में नहीं आना, इमोशनल आर रनिंग है। आपकी जब भी कम्युनिकेशन होगी एक इमोशनली कम्युनिकेशन होगी। मैंने कहा ना ये इमोशंस लेकर आने वाला है। ब्रिंग लव इन दिस इन टू दिस सिचुएशन। ठीक है, इस सिचुएशन में एक ब्रिंग लव होगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम। अगर आपका ड्रीम है, ये पर्सन आपकी ड्रीम में आपके साथ कनेक्ट होने आ रहा है, तो सच में ये हैव फेथ, फेथ रखें अपने ख्वाबों पे कि ये आ रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इस पर्सन को कहा जा रहा है, इस पर्सन को एक फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इसकी, कम्युनिकेशन की है, इस कनेक्शन की स्टकनेस की है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। यूनिवर्स आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है, आपको क्या रिलीज करना चाहिए। अभी भी आपको यहाँ पर कुछ रिलीज करने की नीड है, शायद तभी यहाँ पर स्टकनेस है, तभी यहाँ पर ये पर्सन के माइंड में ब्लॉकेजेस हैं। आप अपने नेगेटिविटी को रिलीज करें, ग्रजेस को रिलीज करें, किया इसने गलत, लेकिन रिलीज कर दें उनको। ठीक है, अगर आप इसको पाना चाहते हैं, इसके अंदर ईगो है, थोड़ा सा आप पेशेंटली इंतजार करें, पेशेंस रखें। ठीक है, अगर आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है जो बहुत अच्छी है, तो उसको भी अवेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कहीं से अनब्लॉक है और ये अभी तक अप्रोच नहीं कर पा रहा है, तो जरा आप देखें ये क्या करना चाह रहा है। अभी भी पता है क्या चाह रहा है, अपना ईगो कायम रहे, इसकी डिसेप्टिविटी पे इसको सफाई ना देनी पड़े। ये हमेशा से आपको स्टार्टिंग से कंट्रोल करता आ रहा, तो ये कंट्रोल ही करे, इसका अपर हैंड रहे, इस वजह से ही सब कुछ कर रहा है इस टाइम पे। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं पर रखते हैं। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड एक्सचेंज के लिए लाइक अकाउंट मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको जानकारी अबाउट में, कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।